हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज का अपना टॉपिक है फंजाई की क्लासिफिकेशन। एंसफोर्ड ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। किंगडम माइकोटा का उन्होंने डिवीज़न मिक्सो माइकोटा और डिवीज़न यू माइकोटा में डिवाइड किया। डिवीज़न मिक्सो माइकोटा में स्लाइम मोल्स आते हैं, वहीं डिवीज़न यू माइकोटा में ट्रू फंजाई आते हैं। फिर मिक्सो माइकोटा क्या होते हैं? तो ये जो है नॉन ग्रीन थैलस होता है, इनका मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। और जो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो इस तरीके से इन्हें स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो पहला तो ये अपना डिवीज़न हो जाता है। फिर दूसरा डिवीज़न है यू माइकोटा। इसमें क्या होता है कि थैलस जो है, जो थैलस है इसका मेनली वो ब्रांच रहेगा, फिलामेंटस रहेगा और उसे हम माइसीलियम कहते हैं। सिवाय कुछ मेंबर्स के, जैसे इसमें सैक्रोमाइसिस जिसे हम ईस कहते हैं, उसके अंदर जो है यूनिसेलुलर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो है ये ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में इसका थैलस प्रेजेंट रहेगा। अब मिक्सो माइकोटा, तो मिक्सो माइकोटा के चार सब डिवीजन्स हैं। एक्रोसियोमाइसिटिस, ये सेलुलर स्लाइम मोल्स होते हैं। इसमें एसिमिलेटेड फेज जो है फ्री लिविंग अमीबा रहता है जो एग्रीगेट होके सूडो प्लास्मोडियम बनाता है बिफोर रिप्रोडक्शन। फिर है हाइड्रोमिक्सोमाइसिटिस, इसमें जो है प्लाज्मोडियम स्माइली नेटवर्क के, स्लिमी नेटवर्क के फॉर्म में रहेगा और इसको जो है ये पैरासिटिक रहेगा मैराइन प्लांट्स पे। फिर मिक्सोमाइसिटिस, तो ये ट्रू प्लाज्मोडियम है जो कि फ्री लिविंग है और सैप्रोफिटिक है। फिर है प्लाज्मो डियोफोरोमाइसिटिस, प्लाज्मोडियम पैरासिटिक विद इन द सेल्स ऑफ होस्ट सेल। प्लाज्मोडियम जो है पैरासिटिक रहेगा विद इन द सेल्स ऑफ होस्ट सेल। यू माइकोटा, तो इसमें जो है अपना सब डिवीज़न मिक्सो माइकोटीना, इसके अंदर क्लास आती है क्राइट्रियोमाइसिटिस। इसके अंदर यूनिसेलुलर जूस्पोस होते हैं जिसमें जो है सिंगल पोस्टीरियर विप्लैश फ्लैजिलम प्रेजेंट होएगा, यानी इसके पोस्टीरियर पे जो है एक फ्लैजिलम प्रेजेंट रहेगा, उसमें कोई फ्लिमर्स नहीं रहेंगे, स्मूथ वॉल्ड फ्लैजिला रहेगा। फिर है हाइपो क्राइडियोमाइसिटिस, इसके अंदर जो है जूस्पोस जो है यूनिसेलुलर जूस्पोस रहेंगे और एंटीरियर पे जो है एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा जिसमें फ्लिमर्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम टिनशेल फ्लैजिलम कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फिर ओमाइसिटिस, तो यूजुअली इसमें माइसीलियम में जो है जूस्पोर बाई फ्लैजिलेट होते हैं, यानी इनमें दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, एक तो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा और एक पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा। तो जो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा वो तो टेंशियल टाइप का होगा, यानी उस पे फ्लिमर्स प्रेजेंट होंगे, और जो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा वो विप्लैश टाइप का होगा, यानी वो स्मूथ वॉल्ड होगा। अब डिवीजन है जाइगो माइकोटीना, जाइगोमाइसिटिस और ट्राइकोमाइसिटिस। तो जाइगोमाइसिटिस जो है उसमें माइसीलियम इंसर्ट रहते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर, यूजुअली सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और ट्राइकोमाइसिटिस, माइसीलियम जो है नॉट इमर्ज इन होस्ट टिश्यू, ऑफन पैरासिटिक ऑन ऑर्थोपोड्स। ठीक है, तो माइसीलियम जो है होस्ट टिश्यू के अंदर इमर्ज रहेगा जाइगोमाइसिटिस के अंदर, और जबकि ट्राइकोमाइसिटिस के अंदर ये होस्ट के अंदर इमर्ज नहीं रहता, पैरासिटिक रहता है आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट है जाइगोमाइकोटीना के बाद एस्कोमाइकोटीना। तो एस्कोमाइकोटीना के अंदर भी कई क्लासेस आती हैं, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अपना जैसे और जो इसके अंदर जो अपने सब डिवीजन्स, इस सब डिवीजन के अंदर जो क्लासेस आएंगी उसमें एक एस्काई बनेगा जो कि नेक्ड होगा, या तो एस्काई यानी एस्कस स्पोर्स जो है तो वो या तो नेक्ड होंगे या वो कवर्ड हो सकते हैं। तो एस्काई अगर नेक्ड है तो कोई एस्को कार्प नहीं बनेगा, कोई
फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगी। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? हेमी एस्कोमाइसिटिस में। फिर लोकिलो एस्कोमाइसिटिस, इसमें एस्काई जो है वो बाय क्यूनिकेट होते हैं और एस्कोकार्प इसमें प्रेजेंट होता है। फिर प्लैक्टोमाइसिटिस, तो इसमें जो है एस्काई यूनि न्यूक्लिएट होते हैं और फ्रूटिंग बॉडी को क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, यानी जो एस्काई या एस्कोस्पोर्स हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो कि पूरी तरह से गोल होती है, जिसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। फिर अगला है लोब्यूलो बेनियोमाइसिटिस, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी पैरेंथीशियम है। ये इन ऑपरकुलेट होती है, यानी इसमें कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होगी और एस्काई यूनि न्यूक्लिएट होंगे और एक्सोपैरासाइट होते हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर। फिर है पायरनोमाइसिटिस, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी पैरेंथीशियम होती है, एस्काई यूनि न्यूक्लिएट रहते हैं और इन ऑपरकुलेट विद एपिकल पोर और स्लिट। इसमें जो है एपिकल पे एक पोर प्रेजेंट होगा, पैरेंथीशियम इसमें भी प्रेजेंट होगा, मगर इसमें ऊपर की तरफ एक स्लिट जैसी, ओपनिंग जैसी प्रेजेंट होगी। फिर डिस्कोमाइसिटिस, इसके अंदर जो है फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम एपोथीशियम कहते हैं। मैं अलग से एक फ्रूटिंग बॉडीज, अलग अलग जैसी फ्रूटिंग बॉडीज़ है उस पर भी एक क्लास ले लूँगी। अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ, तो उस पर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से, कि ये एपोथीशियम कैसे दिखता है, किस तरीके से क्लिस्टोथीशियम दिखता है, पैरेंथीशियम दिखता है, ये भी मैं बताऊंगी। तो अभी अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं कि जो है प्लैक्टोमाइसिटिस में क्लिस्टोथीशियम दिखता है, फिर पैरनोमाइसिटिस में जो है पैरेंथीशियम और डिस्कोमाइसिटिस में एपोथीशियम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डिविजन्स में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हेमी एस्कोमाइसिटिस है उसके अंदर कोई एस्कोकार्प नहीं होता। तो एस्कोमाइकोटिना जो है एक जो है ज़्यादा डेवलप्ड इसकी सब डिवीज़न है, जिसमें अंदर जो है स्पोर्स जो है एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, फिर अपन इससे भी जो अगला क्लास है उसको अपन कहते हैं बेसिडोमाइकोटिना, इसके अंदर जो है फ्रूटिंग बॉडी को अपन बेसिडोकार्प कहते हैं। जैसे अपन एस्कोमाइसिटिस के अंदर फ्रूटिंग बॉडी को क्या कह रहे थे, एस्कोकार्प, वैसे ही हम बेसिडोमाइकोटिना के अंदर फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं बेसिडोकार्प। तो टीलियोमाइसिटिस के अंदर बेसिडोकार्प एब्सेंट होता है और जो स्पोर्स होते हैं उनको हम टीलियोस्पोर्स कहते हैं, जो कि या तो ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, जिसे हम सोराई कहते हैं, या फिर स्कैटर्ड होंगे पूरे होस्ट टिश्यू के अंदर। तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम टीलियोस्पोर्स कहते हैं बेसिडोमाइकोटिना के अंदर। फिर हाइमेनोमाइसिटिस, इसके अंदर बेसिडोकार्प प्रेजेंट होगा और बेसिडिया जो है अरेंज होगा हाइमेनियम के अंदर और कम्प्लीटली और पार्शियली जो है एक्सपोज रहेगा मैच्योरिटी पर। फिर गेसिट्रोमाइसिटिस, इसमें भी बेसिडोकार्प प्रेजेंट होगा, बेसिडिया अरेंज हो गए हाइमेनियम के अंदर और एनक्लोज्ड होगा विद इन बेसिडोकार्प। ठीक है, तो ये एनक्लोज्ड रहेगा बेसिडोकार्प के अंदर, यानी जो जो बेसिडिया है जिसके जिसके ऊपर जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो बेसिडोकार्प के अंदर है और जो बेसिडिया है वो एसेप्टेट है। ठीक है, इस बेसिडिया के ऊपर जो है जो स्पोर्स हैं वो लगते हैं। फिर ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर जो है जो अपने को स्पोर्स हैं वो अलग तरीके के दिखाई देते हैं। इसमें जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जब अपन प्रोग्रेसिवली, अपन क्लासिफिकेशन मैंने जनरल करेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जब अपन कॉम्प्लेक्सिटी में क्लासिफिकेशन में ऊपर बढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। तो ए सेक्सुअल स्पोर्स अपने को ड्यूट्रोमाइकोटिना में देखने को मिलेंगे। तो जो ब्लास्टोमाइसिटिस है इसमें ट्रू माइसेलियम लेकिंग रहेगा, बर्डिंग सेल्स विद और विदाउट
प्रो माइसीलियम, फिर हाइपोमाइसिटिस, इसमें क्या होगा, माइसीलियम स्टराइल होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली ऑन हाइफी और कोनिडोफोर्स। फिर है कोलियोमाइसिटिस, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो पिकनीडियम या एवर सूली के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जो है स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, या तो कोनिडो स्पोर्स हो सकते हैं या जो स्पोर्स हैं वो एवर सूली के फॉर्म में अपने को देखने को मिलेंगे। तो ट्रिट्रोमाइकोटीना के अंदर इस तरीके से एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। फिर जो है अपना इनके कुछ मेंबर्स अपन अब लेंगे कि इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब धीरे धीरे अपन मेंबर्स लेंगे इसके, और एक एक जो है अपनी, जैसे अपन स्टार्टिंग से ही जो है मिक्सोमाइकोटीना है इसको समझेंगे थोड़ा और डिटेल में, मिक्सोमाइकोटीना को समझेंगे। फिर एक एक जो है इनके डिवीजन्स में जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनको अपन लेंगे। तो अब मैं जो है इसके बारे में एक एक, जैसे मिक्सोमाइकोटीना है उसको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन, जैसे एस्कोमाइकोटीना है आएगा जब, तो इसके एस्कोमाइकोटीना के बारे में डिटेल में लूँगी, पूरा जो है डिवीज़न के बारे में, एक एक जनरल मेंबर्स के बारे में लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।